अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश पे सेकेंड। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का लेक्चर। और सेकेंड ईयर फिजिक्स के लेक्चर में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 19 दी एटॉमिक न्यूक्लियस को। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक हमारे पिछले टॉपिक यानी कि रेडियो एक्टिविटी से कनेक्टेड है। और आज ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करेंगे हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में, और वो टॉपिक है द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और ग्राफिकली मैं उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आपको शो करता हूँ, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के क्या होता है। तो हमने कंसिडर करा, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो एन नॉट है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे 100 हो सकते हैं कि हमने जो है वो एक एलिमेंट के 100 न्यूक्लियस को कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। हमने उसको सेलेक्ट कर लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट को और उसको रख के ऑब्जर्व करना शुरू हो गया, और हमने ये देखा उसको एक हफ्ते तक, फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने डीके होते चले आ रहे हैं, कितने कम होते चले जा रहे हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे कोई भी 100 मैंने जो है वो न्यूक्लियस सपोज किए थे, तो उसमें से मैंने ये देखे कितने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस थे वो डीके होने से रह गए। डीके होने का मतलब ये है कि वो अल्फा बीटा गामा को अगर इमिट कर देंगे तो कोई और न्यूक्लियस बन जाएगा। तो जो कोई और न्यूक्लियस बन जाएगा मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा, और मुझे सिर्फ ये देखना है कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने 100 न्यूक्लियस पहले सपोज किए थे, तो आफ्टर वन डे जो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, अब एक दिन के बाद यूरेनियम के कितने न्यूक्लियस बच गए, ठीक है ना। फिर दो दिन बाद देखूंगा कि यूरेनियम के कितने न्यूक्लियस बच गए। तो ऐसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा और मैंने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नोट करता रहा कि भाई कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचते हैं हर एक दिन के बाद, और ऐसा मैंने एक हफ्ते तक करा ताकि फिर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें, ठीक है। अब देखो जो हमने ऑब्जर्व करा ना उसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वाई एक्सिस के अंदर हम लोग प्लॉट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर डिफरेंस आया, और एक्स एक्सिस के अंदर जो कि आसान रहेगा यहाँ पे हम प्लॉट कर लेंगे टाइम को, यानी कि जो हमने ऑब्जर्वेशन लिए ना वो, फॉर एग्जांपल हमने देखा एक एक दिन के बाद ना, हमने एक एक दिन के बाद ऑब्जर्व किया कि फॉर एग्जांपल इसको कर देते हैं वन डे, इसको कर देते हैं टू डे की ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगी थ्री डे की, ये हो गई फोर्थ डे की, ये हो गई फिफ्थ डे की, ये हो गई सिक्स डे, और इसी तरीके से हम ऑब्जर्वेशन लेते रहे एक ख़ास दिन के बाद। यानी समझ लो एक एक दिन के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखी कि रेडिएक्टिव एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को प्लॉट करना है, और यहाँ पर हम लोगों ने टाइम को प्लॉट करना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और ये आ गया टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल जब टाइम हो रहा था ज़ीरो, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सपोज कर लेते हैं कि इतने थे, ठीक है ना, लेट से इसको कर लेते हैं एन नॉट के बराबर। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतने थे जब टाइम ज़ीरो था, लेकिन जब हमने ऑब्जर्वेशन ली आफ्टर वन डे, ठीक है, सपोज कर रहे हैं बस एक कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, तो हमने उसको सपोज करा, और ये मैं डेज में लिख रहा हूँ ना, मैंने उसको ऑब्जर्व करा कि आफ्टर वन डे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, कितने बचे थे। तो पता चला कि एक दिन के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे वो बचे हाफ, तो एन नॉट का हाफ ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी आफ्टर वन डे वो यहाँ कहीं पर आ जाएगी। ये जो हमारे पास आई है ऑब्जर्वेशन, ये आई है कब, जब एन नॉट कितने हो गए, ये हो गए हाफ, यानी कि एन नॉट डिवाइड बाई टू रह गए। अच्छा, जब हमने दो दिन के बाद ऑब्जर्व करा, तो दो दिन के बाद हमने देखा कि अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो जितने यहाँ पर थे यानी कि एन नॉट डिवाइड बाई टू थे, वो उसके भी हाफ हो गए। तो उसके हाफ ग्राफ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हो गए, इधर पॉइंट कर लेते हैं, ये आ गया सेकेंड डे का, ठीक है ना। सेकेंड डे के बाद यानी कि जो हमें मिला वो क्या मिला, हमें मिला एन नॉट डिवाइड बाई फोर, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो एन नॉट डिवाइड बाई फोर की है। फिर तीन दिन बाद देखा तो वो और एक्चुअल का हाफ हो गया, तो इतना हो गया। फॉर एग्जांपल आफ्टर थ्री डे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन नॉट डिवाइड बाय एट, ठीक है ना, टू, और फिर हाफ करेंगे तो एन नॉट डिवाइड बाय फोर, फिर हाफ करेंगे तो एन नॉट डिवाइड बाय एट। फिर जब चार दिन बाद ऑब्जर्वेशन ली तो वो इसके भी हाफ हो गए, इसके भी हाफ का मतलब हो गया कि जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं पर आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा एन नॉट डिवाइड बाय 16। और फिर उसके बाद ये इसके भी हाफ हो गए, इसके भी हाफ होने का मतलब यानी कि आफ्टर फाइव डे हम यहाँ तक आ गए थे, यानी कि कितना हो गया था एन नॉट डिवाइड बाय 32। और अगले दिन पे जाहिर सी बात है उसका भी हाफ होगा यहाँ कहीं पर, और होते होते उसका भी हाफ। तो अब पता है क्या बात क्या होगी, अगर इन पॉइंट्स को मैं एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए मिलाऊँ तो आप ऑब्ज़र्व करना
कि जो ग्राफ बन रहा है वो किस किस्म का ग्राफ बन रहा है, यानी कि इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं यहाँ से लेके इस तरीके से मिलाऊं मैं, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा, जो पैटर्न मिलेगा, वो पैटर्न असल में जाहिर करेगा कि ये जो ग्राफ बन रहा है ऑलमोस्ट आखिर में जाके तो स्ट्रेट लाइन ही हो गया है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पर जाके तकरीबन ये एक स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। और ये जो ग्राफ हमने बनाया है ना, इस ग्राफ को कहते हैं, इस ग्राफ का एक स्पेशल नेम है, ये ग्राफ कहलाता है एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। एग्जैक्टली कहा जाए तो नेगेटिव वाला होगा, लेकिन बहरहाल ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, जहाँ के इनिशियली आप देखो तो डिफरेंस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे जो रेट ऑफ डीके है वो भी क्या होता चला जा रहा है, वो भी कम होता चला जा रहा है। देख लो ना, अगर मिसाल के तौर पे एन नॉट मैं सपोज कर लूँ, सपोज कर रहा हूँ सिर्फ कि भाई अगर मैं कह दूँ कि जो एन नॉट है वो 100 था, ठीक है, तो एक दिन बाद 100 का आधा हो गया, यानी कि कितने का फर्क आ गया, 50 का फर्क आ गया, यानी कि फर्स्ट डे के अंदर अगर आप देखो तो 50 का फर्क आ गया था, सेकेंड डे में कितने का फर्क आया, 50 का भी आधा कर दो तो 25, यानी कि 25 रह गया, तो सिर्फ 25 का फर्क आया दूसरी मर्तबा, और तीसरी मर्तबा इसका भी हाफ रह गया, यानी समझ लो 12.5 हो गया, तो उसका भी आधा, यानी कि शुरू में जो डीके का प्रोसेस था बहुत तेज़ हो रहा था, और फिर डीके का प्रोसेस स्लो हुआ स्लो हुआ स्लो हुआ, और जितना हम आगे जाते चले जा रहे हैं उतना हम देखते चले जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो रेट ऑफ डीके है वो अब क्या है, कॉन्स्टेंट हो रहा है, यानी कि एक जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो यही बात हमें पता चली कि यहाँ पर जो ग्राफ शो कर रहा है, जो कर्व शो कर रहा है, वो ये है कि जो रेट ऑफ डीके है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि प्रेजेंट है उस टाइम, उसके लिहाज से कम होता रहता है। तो लॉ ऑफ रेडिएक्टिव डीके को हम इस तरीके से स्टेट कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डीके पर यूनिट टाइम, यानी कि जो रेट ऑफ डीके जिसे हम कह सकते हैं, रेट ऑफ डीके का मतलब हो गया कितने जो न्यूक्लियाई हैं वो टूट रहे हैं, डीके हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। उस वक्त सैंपल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हैं, ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों ने ग्राफ में देखा कि सबसे पहले 50 का फर्क आ गया, फिर 25 का फर्क आ गया, यानी कि जितने जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो सैंपल में बचे होते हैं उतना जो है वो रेट ऑफ डीके ज्यादा होता है। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डीके पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ डीके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। उस वक्त सैंपल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हैं, आप कंसिडर कर लो। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट यानी कि यूरेनियम कंसिडर करता हूं, तो जो सैंपल होगा यूरेनियम का वो उसमें बहुत सारे, जाहिर सी बात है, यूरेनियम के न्यूक्लियाई होंगे, और वो क्या हो रहे होंगे, वो रेडियो एक्टिव डीके हो रहे होंगे, और यकीनन फिर वो कन्वर्ट हो रहे होंगे रिलेटिवली स्टेबल लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है ना। यानी कि कोई भी न्यूक्लियस होगा अगर वो अल्फा को इमिट कर देगा या बीटा को इमिट कर देगा या गैमा को इमिट कर देगा, तो नतीजे में वो कन्वर्ट हो रहा होगा किसी मोर स्टेबल न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ द नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई विल ग्रेजुअली कीप ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। ये बात कन्फर्म है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे यूरेनियम के वो डिक्रीज होते रहेंगे, जो कि आप मैथमेटिकल फॉर्मूले के अंदर भी देखोगे कि जो डिक्रीज होने का है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होने का है, वो लाजमी तौर पे मौजूदा के टाइम के लिहाज से वो कम होते रहते हैं, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल के तौर पर आप देखो, जब यूरेनियम डीके होता है तो उसकी एक चेन होती है जिसको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूं मैं, यानी कि जब यूरेनियम इमिट कर देता है अल्फा पार्टिकल को, तो वो या अभी फिलहाल अल्फा बीटा गैमा की तरफ नहीं जाते, अभी सिर्फ ये समझ लेते हैं कि वो डीके हो जाता है। डीके होने का मतलब अल्फा बीटा गैमा में से कुछ भी इमिट करता है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है थोरियम में। अब थोरियम भी जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो फिर वो जब डीके करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियम में, ठीक है। फिर रेडियम और अपने एक स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ जाने के लिए रेडियो एक्टिविटी करेगा, वो कन्वर्ट होगा रेडॉन में। रेडॉन जो है वो क्या करेगा, वो फिर से इमिशन करेगा, डीके होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियस बिस्मिथ में। यानी कि जो न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहे हैं ना, वो कन्वर्ट हो रहे हैं अल्फा बीटा या गैमा के इमिशन की वजह से। और फाइनली जब बिस्मिथ जो है वो इमिशन करके लेड में कन्वर्ट होगा, तो लेड जो है वो स्टेबल है, और उसका जो मतलब वो नेचुरली रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। तो इस तरीके से जो तमाम के तमाम न्यूक्लियाई होते हैं वो मोर स्टेबल फॉर्म की तरफ जाते रहते हैं लगातार, यानी कि वो डीके होते रहते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की एग्जाम्पल दी है, तो एक सैंपल है जिसमें जो है वो हमने यूरेनियम के 10 न्यूक्लियाई रखे हैं, और एक दूसरा सैंपल है जिसमें 100 यूरेनियम के न्यूक्लियाई हैं। यूरेनियम की एग्जाम्पल बार बार इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि वो कॉमन है, तो याद रखना भी आसान होता है। तो दो अलग अलग सैंपल हैं, एक में यूरेनियम के 10 न्यूक्लियाई हैं, एक में 100 न्यूक्लियाई हैं। मिसाल के तौर पर ये यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, तो एक सैंपल है उसके अंदर जो है वो 10 न्यूक्लियाई मौजूद हैं यूरेनियम के। ये हो गया हमारा पहला वाला सैंपल, लेट्स से ये हो गया सैंपल नंबर 1।
ठीक है ना, सैंपल नंबर वन हो गया। इसी तरीके से दूसरा जो सैंपल है उसके अंदर जो है वो 100 न्यूक्लियाई मौजूद है, ये हो जाएगा हमारा सेकंड सैंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इंतजार करेंगे कितने जो एलिमेंट्स हैं वो यूरेनियम से थोरियम के अंदर कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि वो यूरेनियम तो नहीं रहे तो यहां से मैं उन्हें मिटा दूंगा। तो इसका मतलब कुछ टाइम गुजरा, कुछ टाइम हमने इंतजार करा और दोनों के लिए बराबर का टाइम था। तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे तो अगर मिसाल के तौर पे इसके जो है वो न्यूक्लियाई जो है वो 10 में से 5 रह गए, यानी कि आधे हो गए, तो जो दूसरा सैंपल होगा उसमें से भी 100 थे, 100 में से कितने रह गए, 100 में से रह गए 50, यानी कि इधर भी आधे हुए तो इधर भी आधे हुए। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो 5 का डिफरेंस आया एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है ना, डिवाइड बाय टाइम लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो कन्वर्ट आया वो कितने का फर्क आया, वो फर्क आया 50 का उसी टाइम में। तो आप ये समझ लो कि जो डीके का प्रोसेस है वो ज्यादा कब हुआ, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा मौजूद थे, जब सैंपल में ज्यादा न्यूक्लियस थे, और रेट ऑफ डीके सिर्फ 5 का आया उस टाइम के अंदर, सिर्फ 5 न्यूक्लियस कम हुए जबकि सैंपल के अंदर कितने न्यूक्लियाई थे, 10 न्यूक्लियाई थे। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं ना, जो रेट ऑफ डीके होता है वो उतना ज्यादा होता है। तो देखो मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं, मैं समझाता हूँ, ये बात हमें याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो उस वक्त प्रेजेंट होंगे उन पे सारी बात जो है ना डिपेंड कर रही है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो रेट ऑफ डीके है, रेट ऑफ डीके का मतलब कितना न्यूक्लियस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है ना इसको हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डीके। ये ज़्यादा आसान रहता है समझने के लिए कि इसको हम रेट ऑफ डीके बोलें, ठीक है ना, इसको हम समझेंगे एज अ रेट ऑफ डीके कितनी कमी आ रही है। तो लॉ के मुताबिक वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, और नेगेटिव साइन लाजमी आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है लाजमी, ये मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव साइन इस बात को शो करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट, क्या शो कर रहा है, एन इज डिक्रीजिंग। ये जो एन है ना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जो कि मैंने इससे पहले भी समझाया, एन इज डिक्रीजिंग, एन हमेशा डिक्रीज हो रहा होगा, बढ़ेगा नहीं। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बात को शो कर रहा है कि एन जो है ना वो हमेशा डिक्रीजिंग में ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आ गया रेट ऑफ डीके डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी प्रोपोर्शनल है माइनस एन के, ठीक है ना। और जैसे कि हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा और एक कॉन्स्टेंट आएगा, तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी बराबर आता है माइनस लेमडा एन के, ठीक है। तो ये जो माइनस का लेमडा, जो लेमडा आया सॉरी माइनस तो पहले से था, तो ये जो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आई है ना बेसिकली ये कहलाती है डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, ये डी के कॉन्स्टेंट है क्योंकि इस डी के कॉन्स्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत जल्दी जल्दी डी के होता है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत देर में डी के होता है। तो एलिमेंट जल्दी डी के हो रहा है, बाद में डी के हो रहा है, वो सब कुछ डिपेंड करता है इस लेमडा की वैल्यू पर, ठीक है ना, कि अगर लेमडा ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डी के भी ज्यादा होगा, लेमडा कम होगा तो रेट ऑफ डी के भी कम होगा। और इसी जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, लेट से इक्वेशन नंबर वन है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर वन ऑल्सो इम्प्लाइज दैट, हम इसको कर सकते हैं डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन, और साथ में आ सकता है डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हमने लॉ समझ लिया। अब एक और वैल्यू है जो कि अक्सर न्यूमेरिकल के अंदर भी मालूम करने के लिए दी जाती है कि आप फाइंड करें एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। तो भाई ये एक्टिविटी ऑफ द सैंपल से क्या मुराद है, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो अभी फिलहाल उसका जो भी सैंपल है उसकी एक्टिविटी कितनी है। तो जो एक्टिविटी है ना बेसिकली उसे हम ए से शो करते हैं, और ये बराबर होती है लेमडा एन के, यानी कि डी के कॉन्स्टेंट को नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई जो उस वक्त मौजूद हों, प्रेजेंट एट दैट टाइम अगर हो, तो उसकी मदद से हम लोग ना एक्टिविटी मालूम कर सकते हैं। और अगर इसी फॉर्मूले को आप देखो तो नेगेटिव साइन हट गया क्योंकि नेगेटिव साइन शो कर रहा था कि एन डी के हो रहा है। तो अगर मैं सिर्फ एक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ना माइनस हटा देंगे, सिर्फ लेमडा को एन से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब जो फर्दर फॉर्मूला ड्राइव होगा ना उसके लिए कैलकुलस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या आंसर आ रहा है या कैलकुलस कैसे इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि जो प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं ना एटलीस्ट उन्हें तो पता हो कि जो आंसर है वो किस तरीके से आ रहा है। तो देखो जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो कैलकुलस के अंदर हम क्या करते हैं, यही जो लिखा हुआ था डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा डेल्टा टी, ठीक है ना, और एन भी लिखा हुआ था, इसको जब हम कैलकुलस में लिखते हैं तो कैलकुलस के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डी एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन
और हम डी टी करके लिखते हैं। तो अब ना एक्चुअली मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और मैं इंटीग्रेट करके एक फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ फॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो उस वक्त प्रेजेंट हो उसके लिहाज से। तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये क्या बनता है, ये बनता है डी एन ओवर एन और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का लेमडा एन, सॉरी माइनस का लेमडा और साथ में आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टी, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अब क्या है, अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, सॉल्व करना चाह रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी एन ओवर एन और यहाँ पर आ जाएगा माइनस लेमडा कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे डी टी का, तो इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा सीधा सीधा एल एन एन और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का लेमडा और टी, जबकि कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा सी। रुक जाते हैं, इसको नाम दे देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर वन का, जिसको फर्दर हमें यूज़ करना है। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशंस पुट करते हैं, पुटिंग इनिशियल कंडीशंस। अब इनिशियल कंडीशंस क्या हैं उनको देख लेते हैं। इनिशियली क्या था, ग्राफ से आप याद करो, इनिशियल कंडीशंस ये थी, ग्राफ के मुताबिक टी बराबर था जीरो के, और जब टी बराबर था जीरो के तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे उनको हमने नाम दिया था एन नॉट का। तो इक्वेशन नंबर वन के अंदर अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एल एन एन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस सी, यानी कि सी एक्चुअली बराबर आ जाएगा एल एन एन नॉट के। अगर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट करें, नाउ इक्वेशन नंबर वन क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर वन विल इम्प्लाई एल एन एन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का कितना एल एन एन नॉट। रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा एल एन एन माइनस का एल एन एन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का लेमडा टी। एल एन की प्रॉपर्टी पता है, दो एल एन माइनस हो रहे हैं तो एक ही मरतबा लिख देते हैं और ये डिवाइड में आता है एल एन डिवाइडेड बाय एन नॉट, ठीक है ना, लॉग की प्रॉपर्टी है माइनस लेमडा टी। फाइनली जो हमें फॉर्मूला चाहिए था वो एन के लिए चाहिए था, तो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करें, एक्सपोनेंशियल अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा n डिवाइड बाय n नॉट, ठीक है ना, एंटी लॉग अप्लाई करा, एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t, और फिर अगर n कैलकुलेट करना हो तो बराबर आ जाता है n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t के। तो ये जो इक्वेशन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जरिए अगर मुझे पता हो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है ना, ये हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, अगर ये हमें पता हो, फिर t जो है वो कितना टाइम गुजरा ये बात हमें पता हो, और जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसका डीके कांस्टेंट पता हो, तो मैं मालूम कर सकता हूँ कि एक खास टाइम के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक और इक्वेशन है, और दूसरी बात, इस इक्वेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल का आना जाहिर कर रहा है कि जब भी इसका कर्व बनेगा तो वो कौन सा कर्व बनेगा, वो बनेगा एक एक्सपोनेंशियल कर्व, जो कि हमने बिल्कुल इनिशियली हमारे लेक्चर के अंदर बात को समझ लिया था। अब सेकंड जो हमें बात करनी थी, वो हमें बात करनी थी अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ है उससे क्या मुराद है, ठीक है ना। तो देखो, हाफ लाइफ से मुराद है टाइम इन विच द हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई आर कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियस। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें किसी भी एलिमेंट के आधे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियस में, यानी कि वो डीके हो जाते हैं, मतलब कि वो अल्फा बीटा या गैमा इमिट कर चुके होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 100 न्यूक्लियाई थे, तो वो टाइम जिसमें जो 100 न्यूक्लियाई में से 50 न्यूक्लियाई जो है वो अल्फा बीटा या गैमा में से कुछ इमिट कर दें, यानी कि वो डीके हो जाएं, तो वो टाइम कहलाता है हाफ लाइफ। जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो कंसिडर करा था अपने ग्राफ वाली एग्जाम्पल के अंदर, वो एक दिन सपोज किया था कि हर एक दिन बाद वो आधे हो रहे थे, तो वो जो एक दिन का टाइम है वो असल में उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ कहलाती है। अच्छा, सबके सब फॉलो तो उसी ग्राफ को करते हैं जो मैंने आपको समझाया, लेकिन हर एक की जो हाफ लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है और वो डिपेंड करती है फैक्टर पर, मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें अगर हमारे पास 100 न्यूक्लियर मौजूद हैं तो 100 में से 50 रेडियो एक्टिविटी कर जाएं, अल्फा या बीटा को इमिट कर दें, मतलब डीके हो जाएं, तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं, जिसको इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। टी बराबर होता है एल एन टू डिवाइड बाई लेमडा, और लेमडा आपको पता है जो मैंने इससे पहले बताया, लेमडा कहलाता है डीके कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब हाफ लाइफ जो है, जो टाइम है टी हाफ भी लिखते हैं, हाफ लाइफ उतनी ज्यादा होगी
जितना कि लैम्डा की वैल्यू कम होगी, यानी कि जब कोई एलिमेंट देर देर से डीके होगा तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा, और अगर जल्दी जल्दी डीके होगा तो वो कम टाइम तक सर्वाइव करेगा। और एल एन टू की एग्जैक्ट वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम कैलकुलेटर, वो होती है 0.693। तो एक्चुअल फॉर्मूला हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि टाइम बराबर होता है 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, यानी कि डी के कॉन्स्टेंट। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं समझा देता हूँ, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट उसको समझ सकते हैं, और बट प्री मेडिकल वाले क्योंकि कैलकुलस नहीं पढ़े होते तो उनको इस फॉर्मूले को डायरेक्ट रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी जो मैथ्स वाले हैं वो कैलकुलस वाली डेरिवेशन से इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला आया था एन इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। अब क्योंकि बात हो रही है हाफ लाइफ की तो हम क्या करेंगे, टी की जगह पे मिसाल के तौर पे हम टी हाफ पुट कर देते हैं या सिर्फ कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। और हाफ लाइफ का मतलब कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना, वो ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जैसे कि एन है, वो बराबर हो जाते हैं एन नॉट अपॉन टू के। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बराबर हो जाता है असल के हाफ के, यानी कि जो इनिशियल थे उसको अगर डिवाइड बाई टू कर दें। देन ये जो हमारी ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एन नॉट अपॉन टू, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एन नॉट, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, और कैपिटल टी, वन अपॉन टू भी लिख सकते हैं या टी लिख देते हैं फिलहाल। तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, वन अपॉन टू और एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अच्छा है, इसको अगर माइनस साइन ख़त्म करना है तो इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज़ कि टू बराबर होगा एक्सपोनेंशियल प्लस का लैम्डा टी के। अब टी की वैल्यू अलग करनी है तो ये एक्सपोनेंशियल ख़त्म करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अप्लाई करना पड़ता है एल एन। अप्लाई करेंगे एल एन ऑन बोथ साइड्स, तो इस तरफ आ जाएगा एल एन टू और एक्सपोनेंशियल से एल एन कैंसिल, ये आ जाएगा लेमडा टी या टी हाफ। तो टी का फॉर्मूला क्या बन गया, वही जो मैंने आपको बताया था एल एन टू डिवाइड बाई लेमडा। तो या तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो या एल एन टू की वैल्यू याद रख लो, तो एल एन टू की वैल्यू होती है 0.693 ओवर लैम्डा। तो इस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ। तो दैट्स इट, आई होप आपको आज के लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन अगर है तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।